अपने हाथों को उठाओ और अपनी अपनी चीज के लिए अंगीकार करो, विश्वास करो, खुदावन के सामने आंखें बंद करो। जो ऑनलाइन भी है हमारे साथ जुड़े, मैं विश्वास करता हूं इस बात के लिए, जितने ऑनलाइन भी है, आज से खुदावन आपको हर वो मरा हुआ काम वो जीवित करेगा। मैंने कहा आज के वचन से आपका हर मरा हुआ काम वो जीवित करेगा, हर वो निराशा आज के वचन से वो आपकी दूर करेगा, वो हर वो चीज आपकी आशा को वो आज के वचन से पूरी करेगा। जितने ऑनलाइन जो जहां पे है, मांगो और धन्यवाद करो। अपनी बीमारी के लिए बोलो कि यस ये मेरे लिए नहीं। अपने बच्चों के लिए बोले, वो नशा अगर करता है कैसा भी है, आपका परिवार, आपका पति विश्वास नहीं करता, आपके बच्चे विश्वास नहीं करते, आपका घर नहीं बना, आपके बच्चे नहीं है, क्योंकि उसने वादा किया है। बाइबल कहती वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता जैसी कुछ लोग समझते हैं, पर वो इसलिए धीरज धरता है। मैंने कहा वो इसलिए धीरज धरता है, वो इसलिए धीरज धरता है कि तुम बचाए जाओ, तुम नाश ना हो। धन्यवाद करो, अंगीकार करो आज के वचन के लिए। आज से भूल जाओ, मैंने कहा आज से भूल जाओ, मैंने कहा आज से भूल जाओ अपनी सब तकलीफों को। आज से मन में ठान लो कि मैंने मुंह से गलत नहीं बोलना, मैंने गलत अंगीकार नहीं करना। आज मन में ठान लो, मैंने गलत विश्वास नहीं करना। मैंने ऐसा नहीं कहना कि मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है। अपने लोगों को बताना मेरे पास है। आपको अपने गलत नहीं बोलना, मैंने कहा आज ठान लो अपने मन में, आज ठान लो आज, और मनन करो, मनन करो, मनन करो। मैंने कहा मनन करो, मनन करो आज से। जो चीज आपकी हो नहीं रही, जो रुके, धन्यवाद, मैंने कहा धन्यवाद देना शुरू करो, मैंने कहा धन्यवाद देना शुरू करो। यस ऐसे हो चुका है, बोलो ऐसे हो चुका है। आज से मेरी गिल्टी, रसौली, पथरी, मेरा टाइफाइड, मेरी बवासीर, मेरी कैसी भी बीमारी क्यों नहीं है, कैसा भी रोग क्यों नहीं है, बोलो अपने अपने रोग को, अपनी बीमारी को बोलो, अपने हालात को, आपके घर में जो कोई कलेश है, कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही है, कैसी भी बीमारी है, कैसा भी हालात है, आपका आपके ऊपर कर्ज है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, आपके कानों में है, आपके फेफड़ों में, किडनी में है। मैंने कहा अंगीकार करो, आज से नहीं है, आज से नहीं है। और जो चाहते हो आप खुदा से अंगीकार करो कि वो हो चुका है। मैंने कहा वो चाहत करो कि वो हो चुका है। मैंने कहा जितने ऑनलाइन है वो भी ऐसे अंगीकार करें और विश्वास करें। आज जितने अंगी ऑनलाइन भी हमारे साथ हैं, अंगीकार करो, विश्वास करो। जो लंबे समय से परेशान है, आज इस नियम को अपने जीवन में पकड़ लो, अपने मुंह से गलत नहीं बोलना। एक बात याद रखना, हमें पापों से माफी मिल गई है, मैंने सिखा दिया कि अब हमें ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर हमें हमारे पाप क्षमा कर, हमें चंगा कर, दया कर, क्योंकि बाइबल कहती है आपके पाप क्षमा हो गए, आप पर दया हो गई है, उसके कोड़ों की मार से तुम्हें चंगाई मिल गई है, बस आपने धन्यवाद देना है, अपने इस प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद देना है। यस यही पॉजिटिव प्रार्थना है, अपने धन्यवाद देना अपनी प्रार्थना के, मेरे लिए सब कुछ पूरा हो चुका है। मैंने कहा अपने इस रीति से विश्वास करना और प्रार्थना करनी आज से। ऐसा नहीं है कि रोज रोज अपने प्रार्थना करनी, प्रभु चंगा करो, ध्यान करो, दया करो, चंगा करो, मेरे पापों से मुझे माफी दो। आज से अपने ऐसे नहीं करनी, क्योंकि वो परमेश्वर आपके पाप क्षमा कर चुका है, आप पर दया कर चुका है, आपको चंगा कर चुका है, आपको आपकी सब जरूरतों को वो स्वर्ग से पूरा कर चुका है। जो लोग इस वचन से अपने अंगीकार करना है और ऐसे आज से प्रार्थना करनी है, कैसा हो चुका है। मैंने कहा आज से ऐसे प्रार्थना करनी है, मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में जब आप ऐसा अंगीकार करोगे, अपने मुंह में से गलत नहीं बोलोगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि अब इब्रानियों 11 की 1 का वचन कहता है कि अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का परिणाम है।
अपने देख के नहीं, वचन कहता देख के नहीं, अंधे का विश्वास करो। जैसे अब्राहम अंधे का विश्वास करता था, वो लिखा मानो उन बातों का नाम ऐसे लेता था जैसे है। इसलिए अगर वो ऐसा विश्वास करता तो उस वचन के द्वारा उसने उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा किए हुए वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा। धन्यवाद करो, आप भी देखोगे। जितने ऑनलाइन जो जहां पे हैं, आज से मैंने कहा आप हर काम को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। यस, इन द नेम ऑफ जीसस मैं विश्वास करता हूँ। आज की प्रार्थना के द्वारा, आज की शिक्षा के द्वारा खुदाबंद आपके सारे बंद रस्तों को खोल चुका, आपकी हरेक घटी को स्वर्ग से पूरा कर चुका, आपके हरेक रोग से, बीमारी से, उस दुष्ट आत्मा से भी आपको चंगा कर चुका है, आजाद कर चुका है। आमीन।